बे क्यों पी रोनी है, इत मेरे नाने दी बारगाह लोग रोंदे आंदे ने हसदे जांदे ने, तू क्यों रोनी है। ते माई बोल के कहंदी है, बे बच्चिया मैं अपना बच्चा लेके आई सा, बड़ी आस नाल आई सा किते मेरे पुत्र नूं जिंदगी मिल जावे। ते बाबा कहंदा जा ले जा, इंज लगदा वे जिवें मेरा पुत्र मर गया है, जिवें मेरा पुत्र टुर गया है। ओए कौन गौस पाक है, किताबां दसदियां ने गौस पाक कहंदे ने अम्मा रोना अपने बच्चे दे चेहरे, तू जरा कपड़ा उठाया दे, जदू कपड़ा उठाया थले बच्चा मुस्कुरादा पिया। गौस पाक कहंदे ने मैं रब दी कायनात नूं इंज वेना वा जिवें मेरी तली ते गंदम दा दाणा है। ओ ग्यारहवीं वाले पीर जी लंगर खांदे हो, बोलो सुभान अल्लाह यार। गौस पाक दी वड्डी करामत नाल सुनावां ते फिर मैं जिम्मेदार हां। एक गौस पाक दा मुरीद ना मुरीद, गौस पाक दा मुरीद, गौस पाक दा खड्डे च टायर मैं गड्डी चला रहा हूं, फिर जाग आउंदी है हुण भाजी बंदियां दा कुछ यही हिसाब है। पहला मस्त होके तकरीर सुनदे रहे, जदों मैं कहना ना बोलो सुना, फिर वह भी अंदर अभी असं भी आए वहां यार गल जाके सुने। मैं बस तकरीबन समझो तुम्हें पता कड़े वाले गल, वह गौस पाक का मुरीद ना वजू पिया करावे ते सरकार ने इंज चुल्लू पानी का भरिया इंज सुटिया तां मरीद कहंदा जी मैं बड़ा हैरान हाँ, पानी तां नूं ते मैं जांदा वेख्या पर आउंदा मैं नहीं वेख्या। साइंस की तहकीक है, जड़ी चीज तुसी उपर सुटोगे ना इस जमीन की कशश उन्हें थले ले आएगी। कहंदा पानी मैं वेख्या तां नूं जांदा पर आउंदा मैं नहीं वेख्या। गल सुन वाली है, कहंदा गौस पाक ने फिर पानी का टुल्लू भरिया सुटिया, तीजी वारी फिर सुटिया, तो चौथी वारी अपने जोड़े मुबारक अपनी जुत्तियां मुबारक उतारियां। बाबा जी तवज्जो करो राजे, इंज सुटियां आवाज, कहंदा मैं जुत्तियां जांदियां ते वेखियां पर आउंदियां मैं नहीं वेखियां। अकल ने कहा पुछ ले सरकार ए की, इश्क ने आख्या खबरदार होए इश्क दा वेड़ा ही। हाय 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 हाय, नकर ना ना ओ मुर्शिद नु नहीं पुछीदा। ते जेड़े हुंदे ने वली वली ए हुंदे ने दिलां दे जसूस। गल बड़ी काबिले गौर, मैं तकरीर सुना रहा तकरीर, मैनू बड़े शेर आउंदे ने, उन्हें मेरा ख्याल है तुहानू गिनती नहीं आउंदी जिन्ने मैनू शेर आउंदे ने, लेकिन मैं कहना को मैं कोई गल भी सुना के जावां। हज़रात वजो गौस पाक दा मरीज कहंदा वे तीन दिन गुजरे ते गौस पाक ने मेरे दिल च झातियां मारदे ने ते कहंदे ने ओ मुरीदा ओए मेरे मुरीदा जी सोणिया, पर मैं दरियाए तजला दे किनारे ते टुर जा, साडे कुछ मुरीद आए ने तेनू जो देंगे लैके आ जावी। ओ मुरीद कहंदा मैं टुरदा टुरदा दरियाए तजला दे किनारे ते गया, मैं देखिया बहुत बड़ा काफला, मैं जाके आखिया ओ काफले वाले ओ मैं गौस पाक दा नौकर आया, काफले वाले ओ मैं गौस पाक दा नौकर आया वा, सारे काफले वाले ने मैनू सीने नाल ला लिया, कोई मैनू माल दिंदा है, कोई मैनू खाना दिंदा वे, कोई मैनू फरूट दिंदा है। ते जिहड़ा काफले दा सरदार है उहने वेख्या इहदे कोल माल ही बड़ा जमा हो गया है। शेख साहब दे वालदे ग्रामी भी खड़े हो गए ने, रब्बे काबा दी कसम है जदों बुजुर्गां दी शहादत पै जावे फिर रब महफल नूं कबूल कर लैंदा वे। गौस पाक दा नौकर कहंदा वे मैं बड़ा हैरान आ, जिहड़ा काफले दा सरदार है बोल के कहंदा वे ए सारा ही माल तेरा है। ओ तेरा जग आ जे कहंदा वे सारा ही माल तेरा वे। ओ तवज्जो कर आ जे, तो मरीद कहंदा वे इंज उस काफले दे सरदार ने अपने सीने दे नालों मेरे गौस दियां जुतियां, इंज हाथ उठावो जरा सुभान अल्लाह, मेरे गौस पाक दियां जुतियां इंज सीने दे नालों उतारियां ते कहंदा है सारा ही माल तेरा है। जेड़े जोड़े ने ए मेरे गौस नूं देने ने।
जड़े छोड़े नहीं आ पीरा नू जा के देने नहीं बाबा जी तवज्जो करया जे वो कहंदा है वो कहंदा मैं माल लिया ते मैं टुर पया बोलो मैं नहीं बोले मैं आ गुट चो आवाज है मैं तुझ कर कहंदा जदी मैं ओ थोड़ा जा बाहर आया ना ते दिल च ख्याल आया ऐ ते ओही जोड़े ने जेड़े सरकार ने छुटे सा ਜਿਹੜਾ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੁਮਲਾ ਪਾ ਸੋਧ ਲਈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਤੇ ਉਹੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੇ ਹਵਾ 'ਚ ਛੁੱਟੇ ਨੇ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਨਗਾਮਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਛੁੱਟਿਆ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਗੌਸ ਦੇ ਜੋੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅੱਥਰੂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਓਏ ਹੋਏ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਿਸਬਤ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਆਪਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਹਦੀਸ ਨੂੰ 70,000 ਬੰਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਮੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜੰਨਤ ਚ ਆ ਜਾਏ ਇਸ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਓਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਹਜ਼ਰਤ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਜੋੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਜੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਸਰਦਾਰਾ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਏ ਓਏ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਏ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਗੌਸ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਾ ਮੇਰੇ ਗੌਸ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਗੌਸ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਚ ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਮਾਲ ਖੋ ਕੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕੂ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿਬਲਾ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਬਗਦਾਦ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦ ਤੇ ਬਗਦਾਦ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੇਵਾਰਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੇਵਾਰਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਡਾਕੂ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਗਦਾਦ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਫਰਿਆਦ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਓਏ ਮੇਰੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਫਰਿਆਦ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੇਗਾ ਸੁਣ ਫਰਿਆਦ ਪੀਰਾ ਮੈਂ ਆਖ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਚ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੀਏ ਬੋਲਣਾ
फोलना फोलना ना ना फोलना चागद ए बदिया वाले बाबा जी ते दर तू तक ना ए मैं हूँ मैं विच ऐद गुना ना हुंदे लोको मैं जो गौस पाक नू वाद मारी ना मेरा पीर ते नहीं आया सूफी साहब पर मेरे पीर दे जोड़े आ गए जेड़ा जाग रहे हैं जो हाथ विखाए तो उची बोले जरा सुभान अल्लाह गौस पाक कहंदे ने कि मेरे पीर ते नहीं आया पर मेरे पीर दे जोड़े आ गए ते चोरां दे सरदार दे सिर दे विच ना इंज पटाख पटाख करके वजे ते चोरां दा सरदार ना मेरे कदमां दे विच आ के बह गया ते सारा माल रख के कहंदा है इंज लगदा वे जिवें तेरे मगर वारस जिउंदे तुसा खबर किधर बोलना सुभान अल्लाह पर मैं दुआ करांगा या अल्लाह इस महफल दा सदका मेरे गौस पाक दा सदका जिन्ने बे औलाद ने मेरी मावां भी आईयां बहनां बेटियां या अल्लाह जिन्हां नूं औलाद चाहीदी है गौस पाक दा सदका उन्हां नूं औलाद दे ओ चोरां दा सरदार कहिंदा है अखा बंद करके पीर नू वाज मारन वाले इंज लगदा है जिवें तेरा मगर वारस जिंदा है ते मियां साहब कहंदे ने दर मुर्शिद दा ओ खाना काबा ते हज जरूरी करिए रख महबूब वाला तो चल दीवार गल है भाई जी गल है कि तेरा तकवा मजबूत होवे तेरा ए अंदरू मजबूत होवे तवजो कर यार तवजो कर चोरां दे सरदार ने माल रखा मेरे कदमां विच ते कहंदा है तू किन्नू याद पिया करना है फिर हाथ चुके हैं इंज नहीं जिन्हें जिन्हें ना लाना भाई उन्हें तो मिलके की कहना वे हर पासे पईयां दुहाईयां ने ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਈਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਨੇ ਗਿਆਰਵੀਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਈਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਨੇ ਗਿਆਰਵੀਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਦੀਆਂ ਪੀਰਾਂ ਵੀ ਮਹਿਫਲ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਗਿਆਰਵੀਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਗੌਸ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ प्यार सुगातां ने असा घर घर वंडियां मिठाइयां ने प्यार निवाले बाद मैं तुहानू नहीं कहूंगा पढ़ो तो भावे ना पढ़ो पर एक बार मेरे कहने ने इंज हाथ उठा के कह लो की मेरे गौस दियां क्या बातां ने मेरे गौस दियां क्या बातां ने मेरे गौस दियां क्या बातां ने चल दितियां प्यार सुगातां ने असा घर घर वंडी कह दो सुभान अल्लाह मेरा दिल कर रहा है एक करामत मैं पीर साहब दी होर सुना दूं आया हाय उची बोलो जरा जो पिंडाले ने सज जावे ना तो जिन्हां दा नाम लईए फिर वो भी आ जांदे ने ओ पिंड दा चौधरी होए इन्हां नूं पता है ना वो फलाने डेरे ते मेरा बड़ा नाम लग गया हो रहा है वो कहंदा मैं जाके वेखां ते सही
हुण सच्ची दसो वो दुनियादार दा चौधरी आ सकदा होवे ते जे सगौस नूं चौधरी मुहम्मद ने बनाया होवे ते अली ने बनाया होवे। चलो बाबा जी तवज्जो करिया जी, इधर अपना काम होएगा लेकिन तुसा मेरे वाल वेखना है। मेरे गौस की उम्र होवे 9 साल, बोलो बोलो किन्ने साल जी, उची बोलो किन्ने साल जी, पाजी तवज्जो करे 9 साल उम्र होए ते आप अब्बा जान फौत हो गए ना है, अब्बा जान फौत हो गए ते माँ ने चुकिया ते नाने को लैके आ गए ते नाना भी अल्लाह दा वली, नाना भी जड़ी दुआ करता है कबूल हो जाती है। एक माई आ गई, किसे डॉक्टर आख्या तेरे पुत्र ने बचना नहीं, किसी ने आख्या भाई ना ना यदि उम्र थोड़ी आए दी सेवा कर लै, किसी अल्लाह वाले ने आख्या बेबे जे डॉक्टर ने जवाब दे दिता ही ते ओ नजर आ रही बगदाद शरीफ, और जिन्हें बगदाद जाने उची बोले सुभान अल्लाह, ओ नजर आ रही बगदाद। उथे ही एक बाबा, जे बाबे ने दुआ की अल्लाह तेरे पुत्र नु शायद जिंदगी दे दे, शेख नवीन साहब जुमला ला जावो। हुण माई टुरदी टुरदी ना बाबे को टुर गई, जाके कहंदी वे बाबा आ मेरे पुत्र वेख डॉक्टर ने जवाब दे दिता ही, ते बाबे ने तवज्जो करिया जी अख कीती बंद, आय हाय हाय यार जुमला ला जो अख कीती बंद, बाबे ने कीती अख बंद ते चाती पाई लोहे महफूज दे, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अख बंद कीती बाबे ने ते चाती मारी लोहे महफूज ते वेख्या बच्चे दे नसीबां विच ते जिंदगी कोई नहीं, आख्या नहीं बेबे ये तेरा पुत्र लै जाए ते फौत हो गया ही। हुण बेबे रोंदी 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 बाहर निकली, तवज्जो करे अजे तवज्जो, इंज बाहर निकली जिवें मावां भैणां बैठियां, इंज बाहर निकली ते बेबे रोंदी रोंदी जा रही। आओ उत्थे ना गौस पाक अपने बच्चियां दे सजणां दे नाल पे खेडदे ने, ओ जाग के बिया ले यार, ते गौस पाक कहंदे ने बेबे क्यों पे रोनी है, इत्थे मेरे नाने दी बारगाह लोग रोंदे आउंदे ने हसदे जांदे ने तू क्यों रोनी है। ते माई बोल के कहंदी है वे बच्चिया मैं अपना बच्चा लेके आई सा, बड़ी आस नाल आई सा किते मेरे पुत्र नूं जिंदगी मिल जावे। ते बाबा कहंदा जा ले जा, इंज लगदा वे जिवें मेरा पुत्र मर गया है, जिवें मेरा पुत्र टुर गया है। ओए कौन गौस पाक है, किताबां दसदियां ने गौस पाक कहंदे ने अम्मा रोना अपने बच्चे दे चेहरे तू जरा कपड़ा ही उठाया दे, जो कपड़ा ही उठाया थले बच्चा मुस्कुरादा पिया, थले बच्चा जिंदा है। ते माई वापस आ गई ते आके कहंदी है वे बाबा तू ते कहना सा मेरा पुत्र मर गया है, मेरा ते पुत्र ही जिंदा है। ते बाबा बोल के कहना वे नहीं बेबे मेरे बाद किसी नाल मुलाकात की किनू मिली है। ते माई बोल के अज गौस पाक वाल इशारा कहती है नहीं 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 हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, अज गौस पाक वाल इशारा करके कहती है बाबा मैं ते किसी नू नहीं मिली, ओ एक बच्चा सोने चेहरे वाला सोने मत्थे वाला सोनिया अखियां वाला ओ नहीं कुछ किता है। गौस पाक दे नाना जान ने एने अपना सोटा पकड़िया डंडा पकड़िया ते गौस पाक दे पिछे पिछे अगे अगे तोतरा नहीं बोले नहीं बोले नहीं बोले अगे अगे दो तरह ते पिछे पिछे नाना अज सोटा फड़िया वे। ते गौस पाक दे नाना कहंदे ने ओए मेरी गल सुन मैं तेरा इलाज करना वे। हुण गौस पाक कहंदे ने ओए लोको मैनू नाने कोल बचाया दे, मैनू नाने कोल बचाया दे, किसे बंदे दी जरूरत नहीं कोई नाने दे नाल ही गल करे। ओए जुमला दिल दी तख्ती ते नोट कर लो, अज गौस पाक दौड़ते जा रहे ने सामने कब्रस्तान आ गया। गौस पाक कहंदे ने ओए कबरां वाले ओए कबरां वाले उठ के खड़े हो जावो, ओए कबरां वाले उठ के खड़े हो जावो, जरा मैनू नाने कोल बचाया दे।
किताब दसदी है जिन्ने मुर्दे ने सारे जिंदा। सूफी साहब किताब दसदी सारे मुर्दा जिंदा हो गए ते गौस पाक दरमियान जिते सारे मुर्दे आले दुआले। हुण जुमला नोट करने नाने ने ना अज सोटा सुटिया थले नहीं तुसी जुमला ही नहीं लिया है। ओ नाना जिहड़ा पिछे दौड़दा सोटा लैके आ रहा है जदों वेख्या ना सारे मुर्दे खड़ा हो गए ने ते अज गौस पाक दे इर्द गिर्द बह गए ने है ते नाने ने सोटा सुट दिता ते सोटा सुट के कहंदे ने आ मेरे पुत्र अब्दुल कादर जीलानी अल हसनी वाले हुसैन पुत्रा मैं तेनू मारन थोड़ा मैं ते तेनू कहने एडी छोटी उम्रे ओ मैं की कह लगा एडी छोटी उम्रे रब दे राज नहीं खोले छोटी उम्रे रब दे राज नहीं खोली दे ते मेरे सारे मिलके बोलांगे गौसले आजम सैयदा तेनू लखा ने सलाम गौसले आजम सैयदा तेनू। और बड़ी है मैं बंदे ने उठ के मेरे वाला जाना क्यों क्या पुत्रा गौस पाक को आम शख्सियत नहीं जिस तरह हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी बाबे गुल बाबे फरीद दे पीरो मुर्शिद अजे ना पहले दिन उस्ताद पढ़ाण आया रस्मे बिस्मिल्लाह पढ़ाण आया उस्ताद ने कहा पुत्र पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी बिस्मिल्लाह पढ़ी ते 15 सुपारे सुना दिते जुमला तुसी नहीं हजम करना मैनू पता है बड़े औखे काम में है वो 15 सुपारे सुना दिते ते उस्ताद बोल के कहंदा जी जे तुसा आपे ही सुनाने आ ते मैनू क्यों बुलाया ओना मैं तकरीर करन गया इधर बावलपुर वाल ना मैं भाई सारे पढ़ो हुण मैं मैक ते नहीं कहना कि बाबा उठ के कहंदा मुड़ तेनू वंज लैण लई बुलाया सा उधर दी बोली है ना हो जी मतलब हैं ए आम लो उन्होंने कहा जी असा जी असा ही पढ़ना ते तेनू कादे लई बुलाया भाई जी हैं हुण तवज्जो करनी मेरे वल तवज्जो करनी मेरे वल मैं जिहड़ा जुमला कह लंगा सूफी साहब जे बंदियां नू जुमला भुल जे ते मैं जिम्मेदार हां ओ मौलवी साहब ने आख्या जी मैनू बुलाया जे ते सपारे 15-16 तुसी आपे ही पढ़ दित्ते ते मैनू क्यों बुलाया जे हुण जवाब सुनो उस बच्चे दा ते ईमान ताज़ा करो ते बच्चा है ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं बाबे फरीद दा पीर है ख्वाजा बख्तियार काकी कहंदे ने उस्ताद जी मैं 15 सुपारे क्यों ना सुनावा मेरी मां 15 पढ़दी रही है मैनू 15 ही याद हो गए ने मेरी मां 15 सुपारे पढ़दी रही है ते मैनू 15 याद हो गए ने हजरात फिर मेरा दिल किया मैं बाबे फरीद को पूछा ऐ बाबा जी जरा तुसी दसो ना नौजवानों की सलाह भी जरूरी है ऐ बाबा फरीद जी दसो तुहानू मकाम कित्थों मिलिया ओ नौजवानों ने तुहाडा मखाता भाई यार ते बाबा फरीद कहंदे ने भला होवे मेरी मां दा मां दे नाते बोलो यार सुभान अल्लाह है पर मैं भला होवे मेरी मां दा सुखी साहब क्यों आख्या भला होवे मां दा जिन्ने शक्कर खिला खिला के फरीद नू नमाजी बना दिता है बाबे फरीद दी मां कहंदी पुत्रा नमाज पढ़िया कर पुत्रा नमाज पढ़िया कर अम्मा जी नमाज पढ़िए की मिलदा वे मां कहंदी है पुत्रा नमाज पढ़िए रब शक्कर दिंदा वे उधर मुअज्जिन ने ऐलान कह दित्ती अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर उधर मुअज्जिन ने ऐलान कह दित्ती बाबा फरीद कहंदे ने अम्मा जी फिर नमाज पढ़िए आखिया पुत्रा तू वजू करके आ मैं मुसल्ला पानी आ बाबा फरीद वजू करके आए ने मां ने मुसल्ला पाया मुसल्ले दे थल्ले इन शक्कर दी पुड़ी रख दित्ती हजरत मुतशम जद बाबा फरीद ने नमाज पढ़ी ते कहंदे ने अम्मा मैं नमाज पढ़ लई है हुण शक्कर कित्थे ने ते मां कहंदी ए पुत्रा कित्थे नमाज पढ़ी आ जरा मुसल्ला उठा ले ਜਦੋਂ ਮੁਸੱਲਾ ਉਠਾਇਆ ਥੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਪੁੜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਮਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਪੁੜੀ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ ਸ਼ੇਖ ਨਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜੀ ਜੀ
साहब एक एक नौजवान भी जो मां ना बुला अगे मां की खिदमत नहीं करता अज जाके सौन लगे मां के कदमों हाथ लाए ना मैं कहना महफल कबूल है मैं हदीस तो साबित करांगा महफल कबूल होएगी एक नौजवान भी जाके मां के कदमों हाथ लाएगा कोई लाए तो भावें ना लाए मैं जरूर जाके लावांगा जी इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने जिंदगी दी घर पहुंचे टाइम ला वो तुहानू पता ना तुहाडे सियालकोट दा एक बहुत बड़ा आलम मेरे उस्ताज़े ग्रामी इलामा हाफिज़ इमरान आसी साहब अक्सर एक गल सुनांदे ने ना और मौलाना मुहम्मद यूसुफ सियालकोटी बोल छोड़ो जरा है कहंदे ने मौलाना मुहम्मद यूसुफ फलोरी ना कहंदे ने लोगो मैं जदों बाहर जाना ना तो लोग मैनू कोई अलामा कहंदे कोई मुफ्ती कहंदा बड़ा बड़ा कुछ कहंदे ने हां जी मेरे इश्तिहारा ते भी लिखदे ने पर लोगो मेरे सीने नू ठंड नहीं पैंदी आखा जी ठंड किदों पैंदी है कहंदा ठंड उदों पैंदी है जदों मैं तकरीर करके रात नू घर जाना ना ते मेरे जवान पुत्र सुते हुंदे ने ते मेरी मां जागदी हुंदी है ते जदों मैं दरवाजा खड़काना ना ते मेरी मां कहंदी है वे यूसुफा आ गए तुहाडे सियालकोट की गल है भाजी तुम ना बोलो तो तुहाडी मौज है वो जिस मां नू यूसुफ कहना भी नहीं आता कहंदी है वे यूसुफा आ गए हैं कहंदे ने मैनू पूरी कायनात है मौलवी अलामा ते मुफक्कर ते डॉक्टर ते इंजीनियर कहंदे ने मैनू ठंड नहीं पैंदी ठंड उदों पैंदी है जदों मां मैनू यूसुफा कहंदी है ते जदों मां हो गई ना बाबा जी फौत अज इन्हां बाबियां नू पुछो ना इन्हां दाड़ियां वालियां नू है जिन्हां दी मावां टुर गईआं ने अज इन्हां नू पुछो ना अज इन्हां दे कन्न तरसदे ने किते ओह आवाज आवे मां दी किते आवाज आवे मां दी मौलाना यूसुफ पसरूर दी जदों मां फौत हो गई ते मौलवी साहब ना दीवार ना लग के रोंदे रहे ते किसे ने सूफी साहब वरगे ने पुछिआ ओह मौलाना साहब चलो चली दा मिलना सारिआं ने टुर जाणा वे ते मौलाना साहब कहंदे ने गल ते ठीक है ए चलो चली दा मेला वे हर एक ने जाना वे आखा फिर रोंदे क्यों शेख नवी सब तवज्जो करे आगे फिर रोंदे क्यों मौलाना यूसुफ सियालकोट कहंदे ने लोगो मैं ते तां रोंदा वा हुण मैनू यूसुफा कौन आखिया करेगा ओ बाबे फरीद दी मां ना अंजी शक्कर दी पुड़ी रख मैं सुनावांगा जरूर अंजी शक्कर दी पुड़ी रखदी रही ते खांदे रहे एक दिन मां बाजार टुर गई मां बाजार टुर गई उधर मौजन ने अजान कह दित्ती उन्हें आखिया ना किते मां ओ फिर आ जाए ओ खद्दर दी चादर लै के रात जागण वाली पुत्तर नूं दुध भी पिलाए ते दुरूद सलाम पढ़दी होवे अज भी अगर वो मां काम करना शुरू कर देवे ना बाबा फरीद ते नहीं होना नवी साहब पर गुलाम फरीद ते आवे ही आवे ना सुल्तान बाहू ते नहीं आना पर गुलामे बाहू ते आवे ही आवे ना हजरात मैनूं जुमला कहण देवो हुण मां बाजार टुर गई ओ जुमला जे सुण के तेरी अखां ना भिजण तेरा सीना ना भिजे ते मैं जिम्मेदार हां मां कौण है मां बाजार टुर गई मौजन ने जान कह दी अज बाबे फरीद ने शेख साहब आपे ही मसला पाया आपे ही वजू किया अज शक्कर दी पुड़ी मां ने नहीं रखी उधर मां आ गई ते मां ने भी मसला पा लिया मां ने भी मसला पा लिया ते मसला पा के कहती है मौला अग शक्कर दियां पुड़ियां मैं रखदी रही हां अज मैं शक्कर दी पुड़ी नहीं रखी अज मेरे पुत्र ने नमाज पढ़नी है उन्हें मसला चुकना है शक्कर दी पुड़ी ना मिली किते मां दा इत्माद ही ना उठ जावे या अल्लाह अपनी बच्ची दियां लाजा रख ले अज शर्मा रख ले इन्हां बाबियां नूं पुछ लवो किसे दी दुआ कबूल होवे ते भावे ना होवे मां दी दुआ भी कबूल होंदी है आपे दी दुआ भी कबूल होंदी है हुण जदों मां ने हथ चुकने सुमी नवाज साहब बाबे फरीद ने बचपन दा यार में अंज नमाज पढ़ी ओ जुमला सुन के सीना ठड़ जाएगा अंज नमाज पढ़ी उधर मां भी आ गई बाबे फरीद ने अंज मुसल्ला चुकया अगे शक्कर दी पुड़ी बिकलदी है अज शक्कर दे दरिया पे चलदे ने ते कहंदे ने अम्मा ए की है ए की है मां कहती है पुत्रा अगे शक्कर दी पुड़ी मैं रखदी रही हां अज ओने रखी है जिन्हें सजदे करदा रहा अज शक्कर दी पुड़ी ओने रखी है
जिन्हों सजदे करदा रहा होवे। लोगो मैनू कहण दवो उस पाक नू भी मुकाम माँ के कदमा चो मिले है, बाबे फरीद नू मुकाम भी माँ के कदमा चो मिले है। ते कह रहे ने गल सुनाओ नोशो पाक दी, हैं नोशो पाक दी मैं की गल सुनानी है, एडा जारा पीर है जिदा ना ही हाजी नोशा गंज, गंज का मतलब हुंदा खजाना वंडन वाला। ओए नोशो दा मरीज अज जनाबे वाली ओ दीवार ते चढ़िया होवे, इट्टां वाला काम करदा होवे, क्यों नहीं बोलदे सुभान अल्लाह। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਦੀ ਕਰਾਮਤ, ਤੋ ਬਸ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਨੋਸ਼ੋ ਅੱਜ ਬਚਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਨੋਸ਼ੋ ਦਾ ਮਰੀਦ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨੋਸ਼ੋ ਦਾ ਮਰੀਦ ਜਾਂ ਉਹ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਬੁਰੀ ਮੌਤ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਜ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਮਰੀਦ ਵੱਲ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨੋਸ਼ੋ ਪੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਗਿਆਰਵੀਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਵਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਨੋਸ਼ੋ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਵਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਸੱਵਰ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਔਰ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਆਵੇ, ਓਏ ਲੋਗੋ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਵੀ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਮਲਾਓ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਅਲੀ ਵੀ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਤਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ 13 ਰਜਬ। ਬੋਲੋ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ, ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ 13 ਰਜਬ। 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਲਾਲ, ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲ ਯਾਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਉਹ 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਲਾਲ, ਤੇ 13 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਯਾਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 12ਵੀਂ ਕਿਉਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 13ਵੀਂ ਕਿਉਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੁਮਲਾ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਵੇ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਚਲੋ ਮੰਨੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਆ ਲੈਣ ਦੋ ਵੱਡੀ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ। ਸੁਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੁਕਤਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਾ 10 ਜ਼ਿਲ ਹਜ ਤੇ 11 ਜ਼ਿਲ ਹਜ ਤੇ 12 ਰਾਤ 13ਵੀਂ। ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਕਰਾ ਜਾ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵੇਂ ਮੰਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨ, ਪਰ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੌਸ ਦੀ ਯਾਰ ਵੀ ਨਾ ਖਵਾਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੈਨੂੰ ਦਸਵਾਂ ਤੇ ਰਾਤ। ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੌਸ ਦੀ ਯਾਰ ਵੀ ਨਾ ਖਵਾਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਤਾਰ ਵੀ ਨਾ ਖਵਾਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਲੀ ਦੀ ਤੇਰ ਵੀ ਨਾ ਖਵਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕੌਣ ਆਖੇਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦੁਆ ਖੈਰ ਕਰੀ ਕਿ ਸਲਾਮ ਪੜੀ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਲਾਨ ਸੁਣੋ।